इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन इस्मा ने कहा कि बेहतर मांग और केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के कारण पिछले महीने समाप्त हुए 2020-21 सीजन में भारत का चीनी निर्यात 7.1 मिलियन टन रहने का अनुमान है। चीनी उद्योग से संबंधित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए इस्मा के महानिदेशक अविनाश शर्मा ने कहा है कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे 2021-22 सीजन में चीनी उत्पादन 31 मिलियन टन रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि चीनी की कुल उपलब्धता 39.5 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 8.5 मिलियन टन चीनी का शुरुआती स्टॉक शामिल है। वर्मा ने कहा कि घरेलू खपत 26.5 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि निर्यात 6 मिलियन टन होने का अनुमान है। इस सीजन के अंत में समापन स्टॉक 7 मिलियन टन होगा। एथेनॉल के बारे में बात करते हुए वर्मा का कहना है कि 2018 के 3.5 बिलियन लीटर वार्षिक क्षमता से 2025 तक 14 बिलियन लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। उनका मानना है कि 2025 तक 60 लाख टन अधिशेष चीनी को एथेनॉल में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।